नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विकास कुमार शर्मा आज फिर आपके सामने एक रोचक और अच्छी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। जो आज का टॉपिक हमने चुना है दोस्तों, वो है ग्रह क्लेश के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जिस घर में ग्रह क्लेश होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर किसी घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और वहाँ पर बरकत रहनी इम्पॉसिबल हो जाती है। ग्रह क्लेश अगर घर में है दोस्तों, तो हर व्यक्ति खुशी और खुशहाल जीवन की कामना करता है। जिस व्यक्ति के घर में क्लेश हो, वह मन लगाकर अपने काम में वह व्यक्ति मन लगाकर अपना काम नहीं कर पाता और उसको सुख समृद्धि ना मिलने का सबसे बड़ा कारण भी यही बन जाता है। जिस व्यक्ति के घर में क्लेश रहता हो, उस व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और वह व्यक्ति जीवन की जो सर्वोच्च ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति का कैलिवर है, जो व्यक्ति का अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार से वह व्यक्ति काम नहीं कर पाता। आज मैं ज्योतिष और वास्तु को मिश्रित करके कुछ उपाय आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके घर क्लेश को दूर करने के लिए सही होंगे। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, वो सोने की दिशा है। जिस दिशा में हम सोते हैं, सिर करके सोते हैं, वह बहुत मायने रखती है। जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा, जैसे घर में आपके बुजुर्ग लोग कहते हैं इस दिशा में नहीं सोना, इस दिशा में पैर मत करो, इस दिशा में सिर मत करो, तो होता है इसीलिए बताया जाता है दोस्तों। जो जिस घर में पति पत्नी की आपस में ना बनती हो, तो उस के लिए उन दोनों को पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इससे दोनों का आपस में प्यार बढ़ता है और उस कमरे में हल्का गुलाबी रंग भी घर क्लेश को दूर करने में सही होता है। दूसरा उपाय दोस्तों, जो कहा जाता है कि हनुमान जी अमर देवता हैं, तो जिस घर में नित्य रोज हनुमान जी का पाठ पूजा होती है, उस घर में घर क्लेश काफी हद तक कम हो जाते हैं। जिस घर में सास बहू की ना बनती हो, उस घर में हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। अगर खुद कर सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज YouTube वगैरह पे किसी भी ऐप पर डाउनलोड करके आप उसको घर में चला सकते हैं। हनुमान जी को भोज पत्र पर जय श्री राम लिखकर ये भोज पत्र हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है और एक उसी तरह का भोज पत्र अपने घर के किसी भी कोने में संभाल कर रख देना है। यह उपाय करने से जो घर में मन मुटाव है, पारिवारिक मन मुटाव है, वो काफी हद तक दूर हो जाते हैं दोस्तों। तीसरा उपाय मैं दोस्तों जो बताने जा रहा हूँ, जिस घर में आपस में सभी सदस्यों की लड़ाई रहती है, वो ये उपाय जरूर करें। सभी सदस्य सुबह स्नान करके पवित्र होकर जल ले जाकर, दूध मिश्रित जल ले जाकर शिव मंदिर में बैठें। ओम नमो शिवाय का जाप 108 बार बैठकर वहां पे श्रद्धा पूर्वक करना है। जाप करने के बाद जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद घर में सुख समृद्धि और शांति की मनोकामना करनी है और घर पर आकर उस जल के लोटे को धोकर साफ कर दोबारा रख देना है। ये उपाय जिस घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है दोस्तों, उनके लिए बहुत सही होगा। अगला उपाय दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिन घरों में बाप बेटे की आपस में नहीं बनती है, उसके लिए बहुत सही है। आपने देखा होगा जनरेशन गैप के कारण बुजुर्गों की अपने छोटे बच्चों के साथ बनने में बहुत दिक्कत आती है, उनके विचार आपस में नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पर ग्रह क्लेश होता है, तो उसके लिए जो उपाय बहुत सही होगा। आपने 3 बूंदी वाले लड्डू लेने हैं, वो दुआ लेनी है, 21 दुआ को एक मौली के साथ बांध लेना है और 3 लड्डू एक पॉलीथीन में या अखबार एक पॉलीथीन में या किसी भी लिफाफे में आपने डालकर भगवान गणेश जी को चढ़ा कर आने हैं और प्रार्थना करनी है कि घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेंगे। अगला उपाय दोस्तों, जिन घरों में आपस में औरतों की नहीं बन पाती है, जैसा आपने कई बार सुना होगा, आपने सास बहू के सीरियल भी देखे हैं, आपने देरानी जठानी की लड़ाइयां भी सुनी हैं, तो जिन घरों में औरतों की नहीं बन पाती है,
उन घर में सबसे बड़ी औरत आटा और शक्कर को मिलाकर 43 दिन लगातार चींटियों को डालना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का माहौल बनेगा। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये 43 डेज 43 दिन करना ही करना है, इसके अंदर बीच में कोई नागा या कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अगला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वह मेरी बहनों के लिए है, जिन बहनों की अपनी पतियों के साथ थोड़ी बहुत अनबन रहती है उनके लिए है। एक गेंदे का फूल, उसके ऊपर कुमकुम लगाकर अपने मन की मनोकामना बोलते हुए किसी भी मूर्ति के आगे चढ़ाकर घर पे आ जाना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, घर पर आके ही किसी को बुलाना है।